रूस की ताबड़तोड़ बमबारी और भयानक हमलों से यूक्रेन की राजधानी कीव थर्रा गई है। कीव की राजधानी से राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की का एक बड़ा बयान आया है। वो जेलेंस्की ने कहा है कि अगले 96 घंटे कीव के लिए बेहद नाजुक हैं। 96 घंटे के अंदर अंदर रूस की सेना कीव पर कब्जा कर सकती है। ये बयान जेलेंस्की की तरफ से आया है। जेलेंस्की के इस बयान से पूरे देश में एक तरीके से कोहराम मच चुका है। लोग इस बात से डर रहे हैं कि अगर रूस की सेना कीव पर अधिकार प्राप्त कर लेती है, कब्जा कर लेती है, तो इसके बाद देश के हालात क्या होंगे, आखिर किस तरीके से देश की कमान संभाली जाएगी। और हो सकता है, और इस बात के कयास तमाम रक्षा विशेषज्ञ लगा रहे हैं, एक्सपर्ट्स लगा रहे हैं कि कीव में जैसे ही रूस का हमला होगा, अधिकार होगा, उसके बाद में राष्ट्रपति जेलेंस्की और उनकी पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है और वहां पर किसी अंतरिम सरकार की घोषणा हो सकती है, जिस तरीके से अफगानिस्तान में हुआ था या अन्य पहले भी तमाम राष्ट्रों में हुआ है, ठीक उसी प्रकार की स्थिति अब जेलेंस्की के राष्ट्र यूक्रेन में बनेगी। और लगातार यूक्रेन में जिस तरीके से हमले बढ़ते चले जा रहे हैं, अभी ताजा तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं जिसमें यूक्रेन की जो राजधानी कीव है उससे मात्र 200 किलोमीटर की दूरी पर रूस की सेना पहुंच चुकी है और अगले 48 से 40 घंटे के अंदर रूस की सेना यूक्रेन की सेना से टकराव करने के बाद, लड़ाई भिड़ंत करने के बाद कभी भी कीव पर कब्जा कर सकती है। कीव पर कब्जा करने का मतलब है इस पूरे देश की कमान को अपने हाथ में ले लेना। तो देखना होगा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जिस प्रकार की रणनीति बनाई है, उस रणनीति का पालन करते हुए रूस की सेना जिस तरीके से यूक्रेन में बढ़ती चली जा रही है और यूक्रेन के पूरे हालात खराब कर दिए। इस वजह से जो यूक्रेन की सेना है उसने अपने ही देश के एक महत्वपूर्ण पुल को बमबारी करके ध्वस्त कर दिया है, जिससे कि रूस की सेना आगे ना बढ़े। तो देखना होगा कि जिस तरीके से रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने के लिए अपने युद्ध टैंकों को आगे बढ़ा रही है और मिसाइल से बमबारी कर रही है और जिसकी ताजा तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, तो आखिर कब रूस की जो सेना है कीव के ऊपर अधिकार प्राप्त कर लेगी या उससे पहले। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जिस तरीके से कहा है कि अगले 96 घंटे कीव के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, उससे पहले अगर दुनिया चाहे तो हमारी मदद कर सकती है, तो देखना होगा क्या कोई दुनिया का कोई राष्ट्र यूक्रेन की राजधानी की मदद के लिए आगे आता है या यूक्रेन को सब अपने हाल पर ही छोड़ देंगे और सिर्फ अपने घरों से ट्वीट करेंगे। और अब जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं जिन्होंने एक तरीके से भरोसा दिलाया था जेलेंस्की को कि वो अगर किसी प्रकार की स्थिति बनती है उनके राष्ट्र में तो मदद करेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी मदद सामने नहीं आई है। सिर्फ और सिर्फ तमाम रणनीतिक चाल चलने के लिए तमाम सुरक्षा परिषदों की बैठकें हुई हैं, निंदा हुई है, रूस के राष्ट्रपति की आलोचनाएं हुई हैं, साथ में ही प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन इन सब से बेअसर पुतिन की सेना और पुतिन लगातार आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। मेरा नाम है पीयूष परमार और आप देख रहे हैं बिग हेडलाइंस।